यानी आप जिंदा हैं? मैं समझ तो मत चुके हो। जवाब मांगते हैं, क्या मजबूरी है आप लोगों की? क्यों सरदार नहीं लाते हो? मेरे राजा खा ले मुझे। आपको अगर हम लीगल एक्टिविटी करें, ये क्या है? अंडा खाता है, मुर्गी खाता है, अंडा खाता है, मुर्गी खाता है, अंडा मुर्गी, तो भी पहला सवाल वहीं से शुरू किया। तुम भी किसकी बात का बड़ा मांगे बंधु भाई? अरे वो तो पागल है, पागल। क्या परिवार के खिलाफ क्यों कर रहे हो? ये तो पागल है। आखिर सवाल क्या वो ही लेकर क्या है? पागल है तो पागल खाने जाकर है। सच और झूठ की तमाम परतों के बीच आसमान में उड़ान भरने के बाद यह रफाल जमीन पर उतरता है तो उसकी खरीद से जुड़े सवाल भी वापस लौट आते हैं। हैरान हूँ, क्या आप लोगों में क्या मजबूरी है? मैं सब जानती हूँ। तो कोई मजबूरी नहीं हमारे पास। हम सवाल पूछते हैं, वो जब मिलेंगे तो उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। पागल हो गए। दल का वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा पे आरोप लगा जी, और आपके तो साफ जानता हूँ, मेरा के सामने लगा रहा हूँ। आप कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं। कह सकते नहीं हो? मैं लगा रहा हूँ। दादा गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हारी हवा भी निकाल दूंगा। मोदी जी रफाल पर मैं बहुत सारे करते हैं, हमने बहुत सवाल पूछे हैं। आप जो बहुत सारे लोग हैं कथित तौर पर वो कह रहे हैं कि ये कौन है घबराता? आप तुम देख तो रही हो, उसने नाक में दम कर रखा है। आईबी के लोग हैं, आईबी कह रही है कि वो ये चेक कर रहे हैं कि वाकई में क्या हुआ है, ये उन्हें पता लगाना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों का कहना जब वो आरोप लगाते हैं किसी ने काउंटर क्वेश्चन किया, कोई तो बताओ भाई तुम कहाँ से कह रहे हो ये? क्या पहलवान, क्या बात कर रहे हो? क्या कुछ बीमारी फैल रही है? कल तो आप लोग चार थे, आज दुबई रह गए। सब कुछ रिपोर्ट सभी अखबारों में, ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीधे नेगोशिएट कर रहा था। बस काला मार दो, मैंने कहा था ना काला है। उसके संबंध में भी वित्त मंत्रालय ने सब कल की बात नहीं सोच रहा, साफ कह दिया है, डिफेंस मंत्रालय ने साफ कह दिया है। ये कि हम किस खतरे में है, फाइल पे क्लियर हो चुका है जी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप पागल हो गए। अब आप ये भी कह सकते हैं, और रूपा को जब ये पता चलेगा कि तू रामदाम नहीं है बल्कि एक बहुरूपिया है तो चलो हम भी चलते जी। हाँ, हमें अपनी नौकरी से हाथ जोड़ बोला कि भाई ये एयरफोर्स इतना बड़ा ऑपरेशन करता था प्रधान, दीवान साहब को नहीं खबर कर दे। अरे मरने का इरादा है क्या? दीवान साहब को मालूम होगा तो खाली खींच लेंगे। मंत्री कब जाते थे? अब आप ये भी इतना नहीं हो सका? तो देश का प्रधानमंत्री बनने की जरूरत क्या थी? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा। अगर तुम बुरा होता है तो आप सवाल जवाब मत से करो। और मैं काम करता हूँ तो आपको कहते हैं काम क्यों करते हो? सब कुछ पता चल गया। ये क्या सोच है आप लोगों की? यहाँ पर एक ऑल्टो गाड़ी में दो लोग काफी देर से खड़े हुए थे, जिनके BSO थे आलोक वर्मा ने उनको स्टॉप किया, उनको स्पॉट किया और जाकर उनको पकड़ा और पूछताछ की, तो उन्होंने कोई ठीक या संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने वो पकड़ा, उनको देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से घसीटते हुए उनको अंदर ले गए, और अंदर उनके जब आईडी कार्ड चेक किया गया, पैन कार्ड चेक किया गया, तो उसे पता चला कि ये आईबी के लोग हैं। दो लोग आगे से दरवाजे से पकड़े गए जो कि सीसीटीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दो लोग पीछे के दरवाजे से पकड़े गए, यानी कुल चार लोग पकड़े जाए गए, और कहा जा रहा है कि ये आईबी के लोग थे। आईबी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हीं के लोग। 10 फरवरी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से आई खबर के बाद से भारत में रफाल के सवाल फिर से उड़ान भरने लगे हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इंडोनेशिया से 42 रफाल विमान बेचने का सौदा हुआ है। 42 विमानों का सौदा $8.1 अरब में हुआ है।
रॉयटर्स से आई इस खबर के कई मायने हैं। इंडोनेशिया 42 विमान 8.1 अरब डॉलर में खरीदने जा रहा है, जबकि भारत ने 36 रफाल विमान का सौदा 8.84 अरब डॉलर में किया था। हिंदी में एक लाइन में समझिए, भारत ने कम विमान खरीदे लेकिन ज्यादा दाम दिया, इंडोनेशिया ने भारत से 6 रफाल ज्यादा खरीदे लेकिन भारत से कम दाम दिया। हर बार सवाल उठता है, हर बार सफाई दी जाती है, मगर रफाल के सौदे का विवाद मंडराता रहता है। किसी ने ताली नहीं बजाई।